दोस्तों बिना खर्च पैसे किए हुए अगर आप लोगों को ऐसा कोई काम मिले कि यहाँ पे सोफा हो जाए या यहाँ पे प्लांट आ जाए आके ऊपर घड़ी आ जाए तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये सब सिखाने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने स्टाइलिश स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं AI की मदद से। तो आप लोगों से गुजारिश है पूरी वीडियो देखना ताकि आप एक एक चीज़ समझो। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, होंगे किस तरह से वीडियो किस तरह से आप अपना। अच्छा दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, अपना जो स्क्रीनशॉट लिया उसको डन करना है और फिर यहाँ पे आप उस स्क्रीनशॉट को डन करने के बाद जो एरिया में आपको चीज़ें चाहिए वो एरिया को आपने ऐसे करके साफ करना है और यहाँ पे लिखना है कि एड एड टेबल डेको एड टेबल जनरेट करेगा भी टेबल इधर तो दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों एड टेबल हो गई है, यहाँ पे हमने ऐसी स्क्रीन कर दी, इससे थोड़ा सा ये एक अच्छा सा इमेज आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा और यहाँ पे इस चीज को कीप करके थोड़ा सा और इसको ना यहाँ से एड प्लांट डेकोरेशन ये देखिए दोस्तों प्लांट भी ऐड डेकोरेट हो गया। अब आप इसमें से कोई सा भी प्लांट चूज कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा एक जो है ना माहौल लग रहा है और सोफा भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अब सोफा कैसे ऐड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं और ऐड सोफा कर देते हैं ताकि हम इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जनरेट कर दें। आप लोग देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह से जनरेट होगा फिर, और जैसे ही ये जनरेट। अच्छा दोस्तों सोफा भी ऐड हो गया है। अब आप कोई सा भी सोफा, अब जैसे मैंने ये वाला सोफा ऐड कर लिया, इसमें कीप कर लिया। अब आपको एक काम करना है, अब आपको बड़े ही तहम्मुल से इस तस्वीर को पीछे करना है क्योंकि आप अगर इस पे हाथ लगाते हैं, देखें जैसे ये क्लियर कर देता हूं मैं, आपने इस पे हाथ लगाया ये छोटी और बड़ी, यहां से आपने ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि अगर आप इसको सेव करेंगे तो वो एक वाटर मार्क आया था, वाटर मार्क से बचने के लिए कह रहा हूँ, फ्री में आपको यूज होगा। अब हम चलते हैं जो हमने सेव किया स्क्रीनशॉट उस पे, और यहाँ पे हम आ गए, स्क्रीनशॉट सेव किया था, इसको थोड़ा सा हम क्रॉप कर लेते हैं और इसको तस्वीर बना लेते हैं वैसी जैसे ये पहले थी, और ये देखें ओके कर दिया और ये चीज आ गई। अब दोस्तों हम इसको वीडियो में कैसे ऐड करेंगे, चलिए वीडियो पे चलते हैं। कैम कट अगर आपको उसके लिए चाहिए होगा, कैम कट में चलिए, कैम कट ओपन किया आपने, कैप कट ओपन करने के बाद आपने जो है दोस्तों बिना किसी पैसे खर्च करने के, अब ये देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये मैं बातें कर रहा हूं। अब यहां पे मैं इसको ओवरले कर देता हूं। ओवरले करने के बाद आपने क्या करना है, वो जो तस्वीर है उस पर क्लिक करना है, ओके करना है, ओवरले हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और यहाँ पे मास्किंग करनी है, ये मास्किंग आप देख रहे होंगे इस कलर के आगे जिसमें हमने वो बनाया था डॉप से, और इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करना है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, मास्किंग मास्क पे जाना है इसका, ये वाला ओके करके, और फिर ना यहाँ से घुमाना है, घुमाने के बाद आपने ना इसको ऐसे कर देना है और थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देना है ताकि ये रियल लगे, कोई ऐसा इसमें वो ना लगे कि भाई इसमें भेदभाव हो रहा है। ओके कर दिया, अब देखें प्ले किया, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, मेरे साथ सोफा खड़ा हुआ और साथ ही मैं प्लांट्स को भी ऐड करता हूँ। ओवरले पे ही जाऊंगा और यहाँ से इसी तस्वीर को उठाऊंगा और फिर वही हमने प्रोसीजर करना है जो हमने किया था, इस बार हमने मास की तरफ करना है, यहां से हमने स्प्लिट किया और यहां से हमने इसको ऐसे से कर दिया और ये बन गया मास।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सही लग रहा होगा बिल्कुल मैचिंग के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से वीडियो तैयार हो सकती है अब आपकी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी जिसमें आप लोगों को यूट्यूब के बारे में और भी चीज़ें समझाऊंगा मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।